हेलो सांग माने रेखा एवं कोण अर्थात लाइन्स एंड एंगल्स रे एई वीडियो को तुम मानको स्वागत। आज आम रेखा और कोण रो संज्ञा और मौलिक पद गुड़िक बा बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस ऑफ लाइन्स एंड एंगल्स विषय रे आलोचना करिबा। आम चारिपाखे विभिन्न प्रकार रो वस्तु रहिछि आउ कौनसी वस्तु बा कौनसी आकृतिर गठन रेखा और कोण विषय जानिबा व्यतीत संभव नुहे। चलो आमे एही अधिवेशन रेखारु आरंभ करिबा। तुम्हें माने जानिच रेखा किछि मात्रा रे एही परि दिसे। आमे एहाकु ए बी पी क्यू एम एन सहित किंबा केबे केबे छोट अक्षर बा स्मॉल लेटर्स एल एम एन सहित दर्शाई थाउ। एहा सबुबळे सीधा होइथाय। आमे माने कहि परिबा जे एहार कोनोसी प्रश्न नथाय। एही तीर चिन्ह दर्शाउछि जे आमे अनंत पर्यंत एहाकु परिबिधित करि परिबा। आमे दुईटी रेखा नेले ए बी एवं एम एन। तेबे आमे एहाकु केते प्रकार रे टाणी परिबा? आमे एहाकु दुई भिन्न भिन्न प्रकार रे आंकी परिबा। प्रथमटी हेउछि से दुईटी परस्पर को प्रतिच्छेद करथिबे एही परि जेउठारे बिंदु सी सेगुडिकर प्रतिच्छेद बिंदु, तेणु सेगुडिकु प्रतिच्छेदी रेखा कहिथाउ। एवं द्वितीयटी हेउछि परस्पर को केबे भी छेद करंती नाही, अर्थात परस्पर सहित समांतर होइथांती। एही दुईटी समांतर रेखा विभिन्न बिंदु रे समान दूरतारे गति करिथांती। सांग माने जदि दुई तीन बा ताठरु अधिक बिंदु गोटिए रेखा उपरे स्थित होइथाए, जेपरिक एठार दिया जाइछि, ताकु संरेखा बिंदु बा कोलिनियर पॉइंट्स कुहा जाए। जदि एहा गोटिए रेखारे नथांती तेबे आमे सेगुडिक असंरेख बिंदु बा नॉन कोलिनियर पॉइंट कहिथाउ। सांग माने जदि आमे कौनसी रेखार गोटिए प्रांत को बिंदु सहित दर्शाऊ तेबे कौन हबो? आमे एहाकु रेखा नुहे रश्मि कहिबा। जेपरिकि सूर्यरु आसुथिबा आलोक को आमे रश्मि कहू, कारण रश्मिर उत्पत्ति स्थल निर्दिष्ट होइथाए। जदि आमे दुई प्रांत बिंदु को दर्शाई थाउ जहाँ ठीक एही परि दिसे, तेबे ताहा एक रेखाखंड होइथाए। एपर्यंत आमे रेखागुड़िक विषय आलोचना कले, आगकु जाई कोण विषय आलोचना करिबा। जेतेबेले दुईटी रश्मि गोटे शेष बिंदुरु उत्पन्न होइथांती तेबे एक कोण सृष्टि होइथाए। एही साधारण शेष बिंदु को आमे कोणर शीर्ष अर्थात वर्टेक्स कहिथाउ। आउ कोण अंकन करथिबा एही रश्मि को आमे बाहु अर्थात साइड्स बा आर्म्स कहिथाउ। सांग माने पूर्व श्रेणी रे आमे विभिन्न प्रकार रो कोण विषय रे अध्ययन करिचे। चलो पुणी थरे सेगुडी को दोहराइबा। जेतेबेले कोणर माप 0 डिग्री एवं 90 डिग्री मध्य रे रहिथाए ताहाकु सूक्ष्म कोण अर्थात एक्यूट एंगल कुहा जाए। जेतेबेले कोणर माप ठीक 90 डिग्री होइथाए तेबे ताहाकु समकोण अर्थात राइट एंगल कहिथाउ। जदि कोणर माप 90 डिग्री रो अधिक किंतु 180 डिग्री रो कम रहिथाए तेबे ताहाकु स्थूल कोण बा ऑब्ट्यूज एंगल कहिथाउ। जेतेबेले कोणर माप ठीक 180 डिग्री रहिथाए तेबे ताहाकु सरल कोण बा स्ट्रेट एंगल कहिथाउ। जेतेबेले कौनसी कोणर माप 180 डिग्री अधिक होइथाए किंतु 360 डिग्री कम होइथाए ताहाकु आमे प्रतिवर्ती बा रिफ्लेक्स एंगल कहिथाउ। सांग माने जदि दुईटी कोणर जोगफल अर्थात दुईटी कोण को जोग कले माप 90 डिग्री होइथाए तेबे एपरि कोण को अनुपूरक बा कॉम्प्लीमेंटरी एंगल कुहा जाए। जदि दुईटी कोणर जोगफल 180 डिग्री होइथाए तेबे ताहाकु परिपूरक बा सप्लीमेंटरी एंगल कुहंती। चालंतु आगकु बढ़िबा। सांग माने जेतेबेले दुईटी कोणर गोटे साधारण शीर्ष अर्थात कमन वर्टेक्स रहिथाए एवं गोटे साधारण बाहु अर्थात कमन साइड रहिथाए, ताहार जेउ बाहुगुडिक साधारण होइनथाए सेही साधारण बाहुर विपरीत होइथाए, तेबे आमे एपरि कोणकु संलग्न कोण अर्थात एडजेसेंट एंगल कहिथाउ। जेपरि तुमे एही आकृतिरे देखिपारिबो, कोण पी क्यू एस एवं कोण एस क्यू आर एही दुईटी कोणर शीर्ष बिंदु क्यू समान रहिछि एवं बाहु क्यू एस साधारण बाहु अर्थात कमन साइड रहिछि, एवं एही दुई बाहु पी क्यू एवं क्यू आर बाहु क्यू एस रो विपरीत दिगरे रहिछि। तेणु आमे कहि परिबा जे कोण पी क्यू एस एवं कोण एस क्यू आर संलग्न कोण अर्थात एडजेसेंट एंगल हेइथांती।
ସାଙ୍ଗମାନେ ତମେ ଏହି ଆକୃତିକୁ ଦେଖି କୋଣ ପି କ୍ୟୁ ଏସ୍, କୋଣ ଏସ୍ କ୍ୟୁ ଆର୍ ଏବଂ କୋଣ ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିପାରେ କି? ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ଏଠାରେ କୋଣ ପି କ୍ୟୁ ଆର୍, କୋଣ ପି କ୍ୟୁ ଏସ୍ ଏବଂ କୋଣ ଏସ୍ କ୍ୟୁ ଆର୍ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଦୁଇ କୋଣର ଯୋଗ ତାହା ସହ ସମାନ ହେବ। ଆଉ ଆମେ ଏହାକୁ ଏପରି ଲେଖିପାରିବା, ସାଙ୍ଗମାନେ ଆକୃତି ଦେଖି କହିଲ, କୋଣ ଏମ୍ଏନ୍ପି, କୋଣ ପିଏନ୍ଓ ସଂଲଗ୍ନ କୋଣ କି? ହଁ, ଉଭୟର ସାଧାରଣ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ଏନ୍ ଏବଂ ସାଧାରଣ ବାହୁ ଏନ୍ପି ରହିଛି। ଏଠାରେ ଦୁଇଟି କୋଣର ଯୋଗଫଳ 180 ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରକାର କୋଣର ଏକ ରୈଖିକ ଯୁଗ୍ମ ବା ଲିନିୟର ପେୟାର ଅଫ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ସ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ରେଖା ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରତିପକୋଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଭର୍ଟିକାଲି ଅପୋଜିଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ଏଠାରେ ରେଖା ଏମ୍ ଏନ୍ ରେଖା ପି କ୍ୟୁକୁ ବିନ୍ଦୁ ଓରେ ପ୍ରତିଚ୍ଛେଦ କରୁଛି, ଏଠାରେ ପ୍ରତିପକୋଣର ଦୁଇଟି ଯୋଡ଼ା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଯୋଡ଼ା କୋଣ ଏମ୍ ଓ ପି ଏବଂ କୋଣ ଏନ୍ ଓ କ୍ୟୁ ରହିଛି। ତୁମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଡ଼ାର ନାମ କହିପାରିବ କି? ହଁ, କୋଣ ଏମ୍ ଓ କ୍ୟୁ ଏବଂ କୋଣ ପି ଓ ଏନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରତିପକୋଣର ଯୋଡ଼ା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଏତିକି। ଆଜି ଆମେ ରେଖା ଏବଂ କୋଣର ସଂଜ୍ଞା ଓ ମୌଳିକ ପଦଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।